दिखी है। चलो आपको गुफा के अंदर लेकर चलता हूँ, चमत्कारी गुफा ऐसा बोलते हैं। भयानक पसीने बोला मतलब सीधा कोदो था, ये जो है ना बहुत पहले प्राचीन काल में यहाँ कोदो था, कोदो का स्टाक बोले जाता अपने आज की भाषा में, और यहाँ से ले जाके लोग अपना जीवन पार्जन के लिए भोजन बनाते थे, उसी को अपना जैसा भी था अपना समय के हिसाब से चलाए। उसके बाद जैसे फसल होता था उसके बाद ला के कोदो को फिर यहाँ माता रानी के चरणों में वापस करते थे। नमस्कार दोस्तों, आज तक मैंने आपको छत्तीसगढ़ के अलग अलग रहस्यमय जगहों मंदिरों के बारे में बताया। आज की इस वीडियो में आपको ऐसे ही एक अनोखे मंदिर पर लेकर जाने वाला हूँ जिससे संबंधित कहानी इतनी ही रहस्यमय है जितना कि यह मंदिर। दोस्तों, प्राचीन समय में माना जाता है इस मंदिर में अनाज के हंडे और अनाज प्राप्त होता था, जो कि आज भी यहाँ मिलता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं किशन और आप देख रहे हो सीजी टूरिज्म विद किशन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं जिसमें मैं आपको मुंगेली जिले के एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर लेके आया हूं। ये एक बहुत ही छुपा हुआ मंदिर है, सिंगल लाइन मंदिर, जो कि दलपी ग्राम में है पंडरिया लोरमी के पास। तो आज मैं यहाँ आया हूँ। कहते हैं कि ये सिर्फ नवरात्रि में ही खुलता है और यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत गुफा भी है, रहस्यमय गुफा है। तो वहाँ भी आपको लेके जाऊँगा और मंदिर माता के दर्शन भी कराऊँगा। ये देख सकते हो गेट। तो अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आते रहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस नए सफ़र में मैं आपको मुंगेली जिले पर लेकर जाने वाला हूँ जहाँ एक छोटा सा गाँव है दलपी, जहाँ एक अनोखा मंदिर स्थित है जिसे सिंगलदाई मंदिर कहते हैं। कहते हैं यह मंदिर 7 अलग अलग तलों में बना हुआ है। यह मंदिर दोस्तों लोरमी के पास स्थित है जिसकी दूरी मुंगेली से लगभग 43 किलोमीटर और बिलासपुर से लगभग 82 किलोमीटर है। इसका लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, यह मंदिर मुंगेली जिले का एक ऐसा अनोखा और रहस्यमय मंदिर है जो कि पहाड़ पर तो स्थित है लेकिन यह मंदिर ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। इस मंदिर में ऐसा मानते हैं कि 7 अलग अलग तल बने हुए हैं जिसमें अलग अलग देवी देवता रहते हैं। दोस्तों, अभी मैं सिंघल दाई मंदिर के पहाड़ के ऊपर आ गया हूँ और यहाँ पर देख सकते हो बहुत खूबसूरत नज़ारा। ऊपर में छोटे छोटे मंदिर बने हुए पत्थर, अभी पुजारी जी जाके इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। ऊपर यहाँ आए तो हमको एक छोटी सी गुफा भी दिखी है। चलो आपको गुफा के अंदर लेकर चलता हूँ, चमत्कारी गुफा ऐसा बोलते हैं। दोस्तों, गुफा में ज़्यादा जगह नहीं है, थोड़ी सी जगह है लेकिन यहाँ अंदर आओगे तो और थोड़ा ज्यादा जगह है। चलो पहुंच गए लगभग। अगला करते हैं सिंगल लाइन। यहाँ बगल में एक और छोटी सी गुफा होती थी बोलते हैं, जिस गुफा से पहले लोग आना जाना करते थे। अभी जो गुफा है वो बंद हो चुकी है। माना जाता है कि ये जो गुफा थी जब पहले, तब यहाँ पहले 200 लोगों के लिए गुफा थी, मतलब 200 लोग यहाँ आ जाते थे। आज भी है रास्ता बस बंद हुआ। आज भी है यहाँ गुफा, पर रास्ता जो है वो बंद हो चुका है गुफा का। और अभी मेन एंट्रेंस आप देखोगे तो मेरे बैक साइड में पीछे देख सकते हो रोशनी आ रही है। तो दोस्तों, यह जो सिंघल माता का मंदिर है इससे संबंधित बहुत सारी कहानियाँ, किस्से, रहस्य जो है वह लोगों के बीच में प्रचलित है। मुख्य कहानी ऐसी कही जाती है दोस्तों कि इस गुफा में पहले एक साधु रहा करते थे जिन्होंने इस गुफा माता मंदिर के तल का पता लगाया और यहाँ 7 अलग अलग तल होने की बात कही। इसके बाद यहाँ लोगों का आना जाना काफ़ी बढ़ गया और उन्होंने पूजा करना चालू कर दिया। लोगों का यह भी मानना है दोस्तों कि यहाँ अनाज मिलता था जो कि माता अपने भक्तों को देती थी। दोस्तों, अभी हम लोग एक और यहाँ पर गुफा है सिंगलदाई पहाड़ पर, वहाँ जा रहे हैं। ये गुफा आपको दूसरी ओर मिलेगी। तो यहाँ बस बहुत अच्छा सीढ़ी बना हुआ है दोस्तों, पूरा गुफा ही गुफा है। अरे बाप, यहाँ बस मस्त अच्छे से सीढ़ियाँ बना दी गई है श्रद्धालुओं के लिए। तो आप लोग आराम से
आ सकते हैं यहाँ तक। सिंघलदाई मंदिर के दोस्तों बगल में एक और छोटी सी गुफा है जहाँ सद्भाहनिया माता का द्वार है। इस गुफा में सद्भाहनिया माता रहती है जहाँ अलग अलग सात तल है ऐसा कहा जाता है। साथ ही दोस्तों इस गुफा में जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि अनाज मिलता था जो कि अनाज हंडो या फिर अनाज के रूप में मिलता था जिसे यहाँ ग्रामीण लोग लेकर जाते थे अपने पेट भरते थे या फिर खेती में इस्तेमाल करके फिर से फसल उगाकर माता को वापस कर देते थे। इस प्रकार की कहानी यहाँ प्रचलित है। कोदो था ये जो है ना पहले। बहुत पहले प्राचीन काल में यहाँ कोदो था। कोदो का स्टॉक बोले जाता अपने आज की भाषा में। और यहाँ से ले जाके लोग अपना जीवन उपार्जन के लिए भोजन बनाते थे, उसी को अपना जैसा भी था अपना समय के हिसाब से चलाए। उसके बाद जैसे फसल होता था उसके बाद ला के कोदो को फिर यहाँ माता रानी के चरणों में वापस करते थे। बाढ़ी के थे पैसा कौड़ी सब तो ईमानदारी ने लेकर कोदो यहाँ से और जब मिसी से अपन कोदो ना तो उसको भूसा को लाख उल्टा काटन पेंडिंग भार नाप दिया। उस दिन से अनछप हो गया। यहाँ 10-20 साल पहले कोदो रही से दिखाऊ दरी से अन माता सत बहनिया गुफा में रही से यहाँ सब सात बहनी है वही दिन से वो अनछप हो गए। नीचे गुफा के बारे में वो बता दे। नीचे गुफा में शेर था पहले शेर भी है मतलब अंदर ग्राउंड जाए के है तो पांचवा स्थान तक के अंदर वहाँ पहुँच जाता ना मान पांचवा के बाद वहाँ अंदर बंद है अंदर मतलब जाना मना है वहाँ से ऑक्सीजन भी डाउन जाते हैं अंधेला है वो सब उसी का ये मतलब रास्ता है मैया जी का बनाया वाला प्राकृति का वो ये अपना फर्स्ट में वैष्णो देवी का है यहाँ पे मंदिर दूसरा में जाओगे तो तीसरा के लिए जब जाओगे तो शेषनाग है वहाँ पे शेषनाग से फिर वहाँ चौथा के लिए स्थान है ऐसा सब अंदर में है और भौरी देवी का भी है प्राकृति है वो भी 100 से ऊपर हो गया उसको यहाँ और भोलेनाथ भी है ये भोलेनाथ है प्राकृति है वो बनाए वाला नहीं है इसलिए कोई महात्मा आय रही से यहाँ महात्मा आय रही से वो अंडरग्राउंड रहत रही सोहा मैंने बाहर नहीं रहत रही सोहा सूर्य प्रकाश नहीं देखत रही सो साधु ओखर जरिए से अंडरग्राउंड फिर एक जानकारी हुई सब तो दोस्तों एकदम पहाड़ के ऊपर आ गया हूँ मैं पूरा देख सकते हो दलपी गांव यहाँ से एक नंबर नज़ारा है। अद्भुत रहस्य किस्सों कहानियों से भरा हुआ यह दलपी का सिंघलदाई मंदिर दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत पर्यटन स्थल भी है जहाँ नवरात्रि में लोगों की काफ़ी भीड़ होती है। अगर आपको भी कभी मौका मिले यहाँ आने का अगर आप कभी मुंगेली ज़िले में आते हैं तो यहाँ के सिंघलदाई मंदिर में एक बार आकर ज़रूर आप लोग भी माथा टेकिएगा। जहाँ तक बात रही दोस्तों यहाँ के किस्से कहानियों की जो कि काफ़ी रोचक है इन बातों का सच होना या ना होना यह तो अभी बताया नहीं जा सकता लेकिन यह कहानी काफ़ी रोचक है। फिलहाल आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा होगा लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में तब तक के लिए बाय।